मेरी डेली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को दबाइए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साबिका अहलिया जमायमा गोल्ड स्मिथ और इमरान खान के बच्चों के खिलाफ अक्सर औकात मुखालफीन की तरफ से तनकीद की जाती है, यहाँ तक कि इनके खिलाफ कई बार प्रोपेगंडा भी किया गया और माजी में पाकिस्तान की कुछ खास सियासी जमातों की तरफ से इमरान खान की साबिका अहलिया के खिलाफ सख्त जुमलों का इस्तेमाल भी देखने में आया और इनके बच्चों के बैरून मुल्क मकीम होने पर भी तनकीद की जाती है। जमायमा गोल्ड स्मिथ अक्सर अपने खिलाफ होने वाले प्रोपेगंडे का खूबसूरती से जवाब देती हैं और इसी तरह इमरान खान के मुखालिफ सोशल मीडिया सारिफ ने जमायमा खान की कुछ अर्सा पहले एक हादसे में वफात पाने वाली भतीजी की इमरान खान के साहिबजादे सुलेमान के साथ तस्वीर शेयर करके किरदार कशी की कोशिश की, इस पर जमायमा ने इन्हें जवाब भी दिया। सारिफ ने ट्वीट किया कि इसका अबू पाकिस्तान को इस्लाम सिखा रहा है और ये बेवकूफ़ कौम इस पर तालियां बजा रही है। सारिफ की तरफ से गालन गलोच भी की गई, जिस पर जमायमा ने कहा कि ये मेरे बेटे की कज़न है जिसकी कुछ माह कबल एक खौफनाक हादसे में मौत हो चुकी है और जमायमा ने ट्वीट को रिपोर्ट करने की भी अपील की, जिसके बाद इस सोशल मीडिया सारिफ ने पोस्ट डिलीट कर दी। वाज़ह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साबका अहलिया जमायमा की भतीजी आयरस एनाबेल ट्रैफिक हादसे में हलाक हो गई थी। आयरस गोल्ड स्मिथ और रोज चाइल्ड घराने के करोड़पति बेंस की बेटी थी। आयरस एनाबेल की मौत सिर्फ 15 साल की उम्र में एक कार हादसे में हुई थी और आयरस एनाबेल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बेटे के साथ तस्वीर ली थी, जिसको लेकर एक सारिफ ने गैर इखलाकी ट्वीट की। तो मेरा नहीं ख्याल है कि यार किसी को ऐसे किरदार की कशी करनी चाहिए जब आपको इस चीज़ का इलम नहीं है, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं जानते। बाकी जो अंग्रेज़ होते हैं, मैं आपको वैसे बात बताता हूँ कि इनके इनसे इस किस्म की बात करना तो वैसे नहीं बनता कि आपको अंग्रेज़ों का तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि वो उनकी इज्जतें क्या होती हैं, वो माँ बहनों बेटियों क्या समझते हैं, लेकिन फिर भी हमारा तो नहीं बनता कि इस किस्म की गैर इखलाकी किस्म की पोस्ट करें, इंतहा ये गलत चीज़ है। खैर आप इस बारे में क्या कहेंगे, हमें अपनी राय का इजहार कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफ़िज़।